दिनांक 23 जुलाई को कोटद्वार से बीरूखाल जाने वाली गाड़ी संगला कोटी में थोड़ी देर के लिए ठहरती है। वहाँ पर सवारियाँ तो चाय पानी पीती हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि वो हमारे जो चालक और परिचालक हैं वो वहाँ पर है कि सीधे दारू की दुकान में जाकर के, जो कि सरकारी दारू की दुकान है, उसमें जाकर के दारू लेते हैं और उसको पीते रहते हैं। जब लोगों ने उन्हें इस चीज़ के लिए मनाही की है कि भाई आप गाड़ी चलाते हैं, इस तरह से आप ये है कि इसको दारू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों जो हैं फिर भी चौड़े होकर के कह रहे हैं कि हाँ जी कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो ये है कि ये काम हमेशा ही करते रहते हैं। इस तरह से चालक और मुसाफिरों में काफ़ी हीला हवाली हुई। वो नशे में धुत तो थे ही, अपना ये है कि दादागिरी भी दिखाई रहे थे। लोगों ने उनको पकड़ करके बंधक बना दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले जुलाई के इसी जुलाई के महीने में 8 तारीख को जीएमओ की बस पोखड़ा सतपली के बीच में कबरावाला गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, काफ़ी दूर खाई में गिरी। उसके बाद यहीं पर चालक और 3 और अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस तरह से लोगों ने वहां पर अपना जो भी योगदान देना था उसको दे करके घायलों को सड़क पर लाए। वहां से 21 जो घायल थे उन घायलों को सतपली भेजा। सतपली से 6 लोगों को यह है कि कोटद्वार रेफर कर दिया गया। इस तरह से ड्राइवर और गाड़ी के जो चालक हैं इनको भी बताया गया कि ये भी बैजरों से जो है दारू पी करके ही आए थे। जीएमओ प्रबंधन और सरकार से हमारा निवेदन है कि इस तरह से सरकार जगह जगह पर बाज़ारों में सरकारी शराब की दुकानों का थोड़ा सा नियंत्रण करे, ताकि वहाँ पर जो आदत से लाचार लोग हैं उनको इसकी शरण में न जाना पड़े। साथ ही जीएमओयू के प्रबंधकों से हमारा विशेष निवेदन है कि वे लोग अपने इन ड्राइवर और कंडक्टर को कम से कम ऐसे लोगों को अपॉइंट करें कि जो कि इस नशीली चीज़ों के सेवन से कम दूर हों, क्योंकि उनके कारण जनहानि होती है, जनता को परेशानी होती है, परिवार जो हैं दुखी होते हैं, और ये है कि जिनका करने और कमाने वाला चला जाता है उन लोगों को बड़ी भारी मुसीबतें होती हैं। सरकार थोड़ा बहुत उनको ये है कि अपनी तरफ से यह है कि एड दे देती है, वो भी पता नहीं कब कब मिलती है, रोते बिलखते ये है कि कभी कई दिनों तक ये है कि संघर्ष के बाद ही उनको जो है वो मिल पाता है। लेकिन इस पर नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हर जगह चेकिंग पोस्ट बनाए जाएँ, उनमें ड्राइवर और कंडक्टर को चेक कर दिया जाए कि ये कहीं नशीली चीज़ों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब होता है कि गाड़ी पे लिखा रहता है धूम्रपान वर्जित है, और गाड़ी के चालक और परिचालक जो हैं वो शराब के उसमें मस्त हैं, तो ये क्यों ना लिख दिया जाए कि चालक और परिचालक जो हैं वो शराब पी करके गाड़ी चलाएं। हम अब पुनः निवेदन करना चाहेंगे अपनी उत्तराखंड सरकार से तथा ये जीएमओयू के प्रबंधकों से कि इन दुर्घटनाओं को बचाने के लिए, इन दुर्घटनाओं से मुक्ति देने के लिए जगह जगह पर ड्राइवरों की चेकिंग कर दी जाए कि वो नशायुक्त जो है तो नहीं ले रहे हैं, ताकि जनहानि से लोगों को बचाया जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.